बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड एक्सपो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा आलू कीमा, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलें शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो चलें स्टोव को ऑन कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून ऑयल के ऐड कर दिए हैं मैंने, और इसमें मैं डालूंगी सिर्फ 2 सब्ज़ इलायची और 8 से 9 काली मिर्चें और 1 टीस्पून ज़ीरे का, और उनको मैं थोड़ा सा सौते कर लूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये पहले ही आप डाल लें मसालों को, थोड़ा सा घी में कड़कड़ा लें इनको, और जैसे ही मसाले थोड़े से कड़कड़ा जाएंगे तो हम इसमें अपना प्याज ऐड कर लेंगे। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में चॉप कर लिए थे, उनको मैंने ऐड कर दिया है। हम प्याज को ज़्यादा भूनेंगे नहीं, बस हल्का सा कलर चेंज करेंगे, क्योंकि क्योंकि ज़्यादा कलर चेंज करने से फिर कीमे का कलर ब्लैक हो जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अब मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया 2 टेबल स्पून, जो कि मैंने कूट लिया था। अब मैं थोड़ा सा भून लूँगी इसको और 1 से 2 मिनट के लिए, और उसके बाद ताकि जिंजर की और लहसुन की अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अब मैंने इसमें कीमा ऐड कर लिया है, जो कि है 500 ग्राम, 1/2 kg लिया है मैंने। मैंने चिकन का कीमा लिया है 1/2 किलो। तो अब मैं थोड़ा सा कीमे को भून लूँगी ताकि इस चिकन की जो स्मेल वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी कीमे की भुनी हुई। तो इसमें मैं एक बड़े साइज़ का टमाटर ऐड कर दूंगी। मेरा टमाटर माशाल्लाह बहुत बड़ा था, तो आप का छोटे हों तो आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी जगह पे। तो मैंने 1 टमाटर ऐड किया है। अब मैं टमाटर को थोड़ा सा भूनूंगी और फिर ढक्कन लगा दूंगी ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए, और टमाटर पानी छोड़ देगा। तो हम टमाटर ने पानी छोड़ दिया है, तो हमने ढक्कन उठा लिया है और थोड़ा सा इसको भूनेंगे। और साथ में मैंने ग्रीन चिली, 1 सब्ज़ मिर्च जो थी काट के रख ली थी उसको ऐड कर दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी और अब इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी सारी, जो कि मैंने मेंशन कर दी हैं स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून साल्ट का लिया है, 1.5 टेबल स्पून रेड चिलीज, 1 टी स्पून हल्दी का, 1 टी स्पून जो मैंने गरम मसाले का लिया है, 1 टेबल स्पून ज़ीरे का पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है धनिया पिसा हुआ, और 1 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है। और इसको मैं अब अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लिया था, अब मैंने वो डाल लिया है इसमें। हमें आलू के साथ बनाना अच्छा लगता है, तो आप आलू के बगैर भी इसी तरह इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं। अब मैं आलू को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी 2 से 3 मिनट के लिए। अब मैंने इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दही के ऐड कर दिए हैं, और अब मैं दही को इसमें थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट देगा दही, इसमें जाके ना बहुत मज़े का टेस्ट देता है। अब मैं 1 से 2 मिनट के लिए ये कीमे को अच्छी तरह से भूनूंगी, थोड़ी सी तेज़ आंच करके, फ्लेम थोड़ा सा मैंने तेज़ किया, और थोड़ी देर के लिए ना इसको लिड से कवर कर दूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखें इसने ऑयल छोड़ दिया बिल्कुल, आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, कीमे ने ऑयल छोड़ दिया है। अब ये है कि ये अच्छी तरह से भून गया, अब इसमें कोई स्मेल कुछ नहीं, और स्पाइसेस वगैरह भी सारी ऐड हो गई होंगी बहुत अच्छी तरह से। अब मैं इसमें थोड़ा सा 1/2 कप जो है पानी का ऐड करूंगी ताकि आलू वगैरह गल जाएं। तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी वगैरह डाल सकते हैं कि कितना गला हुआ पसंद करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग देख लें। देखिए मैंने 5 से 6 मिनट के लिए तकरीबन इसको पकाया है, तो इसका पानी खुश्क हो गया है और मेरे आलू गल गए हैं। अब मैंने इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लिया है अच्छे तरीके से। इसमें मैंने पहले भी ब्लैक पेपर ऐड की थी, और अब भी मैंने इसमें 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च ऐड की है। इस टाइम पे जब हम काली मिर्च को ऐड करेंगे तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगी इसमें। अब इसमें मैंने 3 सब्ज़ मिर्चें कटी हुई और साथ में जो अदरक था उसकी काशें काट के रखी थी वो ऐड कर दिया है,
साथ में मैं इसमें अब हरा धनिया, सब्ज धनिया भी ऐड कर दूंगी, ताकि इस टाइम पे जब हम ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं तो ये बहुत अच्छी इसमें फ्लेवर देंगी, क्योंकि मैं अब इसको दम पे लगा के रखूंगी, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर और इसकी लुक भी बहुत अच्छी देंगी। कीमा हमेशा थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है, फीका फीका अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए मैंने इसमें ग्रीन सब्ज़ मिर्चें और जो काली मिर्चें हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में डाली हैं। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग टेस्ट के क्या आप नहीं पसंद करते तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। अब मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है और इसको मैं 5 मिनट के लिए दम दे दूंगी फ्लेम ऑफ करके। अब मैंने दम उठा लिया है तो देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, और कितनी ज़बरदस्त लुक आई है इसकी। और मेरे कीमे का कलर चेक करें आप, देखें कितना अच्छा कलर आया है मेरे कीमे का, ज़बरदस्त कलर आया है। मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।